मॉर्निंग स्टूडेंट्स, और आज हम लेंगे 5.3 के क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट, थर्ड का सेकंड फिर ऐसे ही आपको करके देखना है। यानी क्वेश्चन है कि एपी है 9, 17, 25 कि कितने पद लिए जाएं ताकि इनका योगफल 636 हो जाए, 636 हो जाए आपके पास ये। तो सबसे पहले तो देखो हमारे पास कोई एपी दे रखी, एपी यानी समांतर श्रेणी 9, 17, 25। अब इसमें से हम छांट सकते हैं पहला पद, प्रथम पद यानी ए, वैल्यू ऑफ ए, ए का मान है 9। सार्वंतर, तो सार्वंतर का सूत्र क्या है, दूसरे पद में से हम पहले पद को बाकी निकाल दें, यानी कि दो कर्मागत पदों का अंतर सार्वंतर कहलाता है। दो कर्मागत पदों का अंतर ही क्या कहलाता है, सार्व अंतर कहलाता है, दो कर्मागत पद। तो हम यहां से क्या करेंगे, 17 में से 9 को बाकी निकालेंगे, 17 माइनस 9, 17 में से 9 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 8, और एस एन यानी इनका योगफल, योगफल को क्या बोलते हैं संकेत इसका, एस एन 636। अब यहां पर हम एस एन का यूज करेंगे, एस एन वाले सूत्र का, और आपको यहां क्या निकालना है, कितने पद लिए जाए, क्या देखना है इसमें कितने पद लिए जाए, यह आपको ज्ञात करना है कितने पद लिए जाए। तो एस एन एन अपॉन टू 2a + n-1 गुणा बी बराबर एस एन। अब इसमें एन का मान आपको निकालना है, एन का मान नहीं है हमारे पास, 2a, 2 गुणा a का मान 9, प्लस एन का मान नहीं है, डी का मान है हमारे पास 8 बराबर में एस एन 636। 9 को 2 से गुणा करेंगे तो 18, 8 को इन दोनों को 2 से गुणा करें तो 8n-8 और n बटे 2 बराबर 636। अब 18 में से 8 को बाकी निकालेंगे, 18 तो प्लस का है और माइनस के 8, तो 18 में से 8 को घटाएं तो कितना आ जाएगा प्लस का 10 आपके पास, कितना आएगा प्लस का 10 आ जाएगा आपके पास, प्लस का 10। इन 18 में से 8 को बाकी निकालते हैं तो कितना आ जाएगा प्लस का 10 प्लस 8 है और यहां से n बटा 2 बराबर 636। इन दोनों पदों में से कॉमन ले सकते हैं तो कॉमन कितना आ जाएगा 10 और 8 में से 2, तो 2 को हमने कॉमन ले लिया, 2n/2, 2 का भाग देंगे 10 में तो 5 प्लस 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 है बराबर 636। 2 से इसको कट कर सकते हैं, 2 से 2 कट हो गया, अब n को इन दोनों पदों से गुणा कर दो तो 5n + 4n² बराबर 636। 5 को n से गुणा कर दिया 5n, n को 4n से गुणा कर दिया तो 4n² बराबर 636। इसका पक्षांतर करके इधर ले आएंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो जाएगा, n 4n² + 5n सही क्रम में -636 = 0, 4n² + 5n - 636 = 0, ये क्या बन गया हमारे पास एक द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आ गया। इसकी तुलना हम इससे कर सकते हैं ax² + bx + c से, या तो आगे इसको हम गुणनखंड विधि से कर सकते हैं, गुणनखंड विधि से न करें तो इसको हम श्रीधराचार्य के सूत्र से भी कर सकते हैं, से तुलना करने, इसके साथ तुलना करने पर, तुलना करने पर ए का मान तो कितना आ जाएगा हमारे पास 4, बी का मान आएगा 5, बी का मान 5, ए का मान 4 और सी का मान कितना आ गया -636। अब आगे इसके अंदर हम श्रीधराचार्य का सूत्र प्रयोग करेंगे तो यहां पर इसके बराबर लेंगे n के बराबर, क्योंकि n के पदों में है और सूत्र x के पदों में भी है, -b + √b² - 4ac/2, तो ये पूरे के नीचे आ रहा है कंप्लीट अपॉन बट्टा लगा के, n बराबर माइनस बी का मान है 5 प्लस माइनस बी का स्क्वायर तो 5 का स्क्वायर -4 × a = 4, c का मान -636,
बटे में दो गुना 51 4। अब माइनस के पांच तो ये आ गया, पांच का वर्ग करेंगे 25 और माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस। 636 को गुना करना है, 4 चौक 16 से गुना कर दो, 636 को 16 से गुना कर देंगे 10176। 10176 आ जाएगा। इसके अंदर 25 को और जोड़ दो आगे, 4 2 8 ही आ गए, इसके अंदर 25 को और जोड़ रहे हैं हम तो 6 5 11 9 10 2 10201। 10201 प्लस माइनस माइनस 5 बटे में 8। अब अगले स्टेप में आपको 10201 का वर्गमूल लेना है, इसका वर्गमूल कितना आएगा 101 आ जाएगा। 10201 का वर्गमूल लेंगे तो वर्गमूल कितना आएगा 101, 5 प्लस माइनस 101 बटे 8। अब एक बार प्लस का लेके चलेंगे 101 को, एक बार माइनस का लेके चलेंगे तो n बराबर, एक बार प्लस का ले दें, जब हम प्लस लेने पर, प्लस का चिन्ह लेने पर, तो प्लस लेने पर n के बराबर कितना आ जाएगा माइनस 5 प्लस 101 बटे 8। 101 में से 5 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 96, तो n बराबर 96 बटे 8। 8 का भाग देंगे 96 में तो कितना आ जाएगा 12। और एक बार माइनस लेने पर, माइनस लेने पर, तो माइनस लेने पर n बराबर माइनस के 5 और माइनस के 101 बटे 8। एक बार तो देखो 101 को हमने प्लस में लिया तो 101 में से 5 को घटाए तो 96 में 8 का भाग देंगे कितना आ जाएगा 12। और एक बार माइनस लेंगे तो माइनस के 5 माइनस 101 दोनों जुड़ जाएंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा माइनस के 106 बटे 8। और n बराबर नहीं हो सकता, इसका मान माइनस में नहीं हो सकता, 53 बटे 4। दो के भाग से, दो के पाड़े से इसको काट लिया तो n का मान हमारे पास माइनस 53 बटे 4 नहीं हो सकता। तो मान्य मान कौन सा रहेगा यहाँ पर, n का मान 12 हो जाएगा क्योंकि n हमेशा एक प्राकृत संख्या होती है। n बराबर क्या चलती है, प्राकृत संख्या, कि n का मान आपके पास दशमलव में नहीं आ सकता, न माइनस में आ सकता है, न कोई भिन्न के रूप में आ सकता है। तो n हमेशा क्या आती है, प्राकृत संख्या, जीरो से लेके एक से लेके अनंत तक चलता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस प्रकार से। तो आपको इस क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करनी है, ऐसा क्वेश्चन एक और है थर्ड का सेकेंड, तो उस क्वेश्चन को भी आपको प्रैक्टिस करके देखनी है। अब से 3-4 साल पहले बोर्ड एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है 3 नंबर के रूप में। अब चलते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर चौथा है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर है चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथे में कि एपी के प्रथम 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है जबकि एन वा पद है एन के बराबर 3 प्लस 4 है। चौथे का भी मैंने पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे लिया है कि को एपी आपको दे रखी है समांतर श्रेणी, उसमें 25 पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है और एन वा पद किस रूप में आपके पास, ये एन के बराबर 3 प्लस 4। तो यहां पर हम दो सूत्र चलते हैं ऐसे में, एक तो ये रहता है n बटा 2 2a + n-1 गुना d, इस सूत्र से भी हम ज्ञात कर सकते हैं, या फिर Sn का n बटे 2 a + an इस सूत्र के द्वारा भी हम जा सकते हैं। तो देखो इस सूत्र में देखो पहला पद चाहिए और एक अंतिम पद चाहिए, पहला पद और अंतिम पद यहाँ ज्ञात करना पड़ेगा। तो पहला पद तो हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे और यहाँ अंतिम पद कौन सा होगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है 25 पदों का योगफल, तो 25वां पद ही यहाँ क्या होगा अंतिम पद होगा। और इसके अंदर आपको a चाहिए, n चाहिए और d चाहिए, n का मान तो है 25, a और d आपको ज्ञात करने पड़ेंगे। तो इन दोनों सूत्र में से आप कोई भी एक सूत्र प्रयोग कर सकते हो, तो मैं यहाँ पर जो दूसरे वाला है सूत्र इसका यूज करूंगा। यानी कि सबसे पहले तो इसके अंदर हमारे को पहला पद चाहिए तो यहाँ पर n का मान कितना रखेंगे, 1 रखने पर n का मान 1 रखने पर, तो a बराबर एक हो गया, a1 को नहीं लिखते कभी वन को, तो a यहां पर लिख लिए 3 प्लस 4n 4 गुना 1, तो 3 प्लस 4 बराबर a का मान कितना आ गया आपके पास 7। दूसरे नंबर पे अब हमारे को 25वां पद चाहिए अंतिम पद, तो n का मान हम कितना रखेंगे 25, n बराबर 25 रखने पर, 25 रखते हैं n बराबर, तो a 25
यहां पर 3 + 4 गुना एन का मान 25, 25 को 4 से गुना करेंगे 25 चौक 100, 100 में 3 को जोड़ दो तो 103, तो इसका 25वां पद कौन सा होगा 103। पहला पद आ गया हमारे पास 7, अंतिम पद भी आ गया। आप कौन सा सूत्र यूज कर सकते हैं, सेकंड नंबर वाला, सेकंड नंबर का सूत्र हम यहां प्रयोग कर सकते हैं Sn, और Sn के बराबर है सूत्र n बटे 2 a प्लस an। इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं, n का मान तो हमारे पास कितना है 25 पदों का योगफल ज्ञात करना है, तो n का मान 25 बटे 2, a का मान कितना है पहला पद हमारे पास वो है 7 प्लस an, an का मान है 103 में 7 को जोड़ दो तो 110 गुणा 25 बटे 2। अब 2 का भाग दे देंगे 110 में तो 55, और 25 को हम 55 से गुणा कर देंगे, 55 को 25 से गुणा करेंगे, 55 125, 12 80 55 125 और 12 137, यह आ जाएगा 1375। अतः 25 पदों का योग, 25 पदों का योगफल बराबर एस 25 बराबर 1375, 1375 यह आ जाएगा हमारे पास आंसर, 25 पदों का योग पर इसे फेगा। ऐसा ही इसका सेकंड क्वेश्चन है, तो उसके आपको प्रैक्टिस करके देखनी है कि, और उसके अंदर भी एक बार तो n का मान 1 रख सकते हो और एक बार n का मान 25 रख के आप देख सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करनी है, परीक्षा के लिए ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विविध 5 का क्वेश्चन नंबर 5वां, किसी एपी के एन पदों का योगफल हमारे पास 3n² + 5n है, तो 164 उस एपी का कौन सा पद होगा, ये क्वेश्चन हमारे को ज्ञात करना है। यहाँ पे देखो ज्ञात क्या करना है, कौन सा पद है, यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, इसमें एन का मान ज्ञात करना है, और एन पदों का योगफल, एन पदों के योगफल को क्या लिखते हैं हम एस एन, यानी एस एन के बराबर है 3n² + 5n, ये पॉइंट हमारे को दिया है, और 164 उसका कौन सा पद है, तो 164 यहां पर क्या आ गया an, कौन सा पद है या कितने पद होंगे। ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में हम n का मान ज्ञात करना पड़ता है, इसी पोजीशन में हम क्या ज्ञात करते हैं n, तो आपके पास देखो एक सूत्र ये दिया हुआ रहता है आपके बुक में है an = Sn - Sn - 1, इस सूत्र के द्वारा हम चलेंगे। तो यहां से n का मान तो आपके पास an का मान तो है 164, यहां से रखते हैं मान 164, और Sn का मान एक बार तो कितना लेंगे 3n² Sn के प्लस 5n, इस पद में तो ये ले लिया, और इसमें कितना लेंगे n - 1, यानी यहां पर भी n - 1 का यूज होगा, यहां पर भी क्या होगा n - 1 का प्रयोग करेंगे, यानी 3 (n - 1) का होल स्क्वायर, n स्क्वायर है तो n की जगह n - 1 काम में लेंगे, 5 है तो +5 × (n - 1), तो 164 = 3n² + 5n - अब इसको हम सर्वसमिका से खोल देंगे, यहां कौन सी सर्वसमिका काम में लेंगे a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर यानी a² - 2ab + p² की तरह इसको, इसका विस्तृत रूप लिखेंगे, तो 3 cos(n²-2n + 1) ये आ गया इसका विस्तृत रूप, प्लस 5 को n से गुणा करेंगे 5 है - 5 है का 5, तो 164 = 3n² + 5n - अब 3 इन सभी पदों से गुणा हो जाएगा, इन सभी पदों से क्या करेंगे 3 को गुणा कर देंगे हम, 3 को n स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 3n² 3 को 2n से गुणा करेंगे तो 6n + 3 = 3, और प्लस आगे के पद 5n - 5, अब ब्रैकेट से पहले माइनस का चिन्ह हमारे पास, तो अंदर के सभी चिन्ह बदल जाएंगे, और इधर 164 = 3n² + 5n - 3n² - की जगह प्लस काम में हम यहां ले चिन्ह बदल रहे हैं इनके, प्लस की जगह -3,
माइनस पांच एन प्लस पांच। अब जो कट रहा है प्लस माइनस के उसको कट कर देंगे, तीन एन स्क्वायर से माइनस तीन एन स्क्वायर कैंसिल प्लस माइनस की, पांच एन से पांच एन कैंसिल। अब क्या बच गया आपके पास 164 के बराबर, छह एन, पांच में से तीन को कटाएंगे प्लस तीन दो। अब इस दो का इधर पक्षांतर कर दो, तो दो का पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा, छह एन के बराबर 164 माइनस दो, 164 में से दो को घटा दो तो 162, छह एन के बराबर 162 या फिर एन के बराबर 162 बटे छ, इसमें छह का भाग दे दो, यानी छह का भाग देंगे हम 162, छह दूनी 12 कितने आ गए 4 और ये 7 बार 42, तो शेषफल 0 और इसमें n का मान कितना आ गया आपके पास 27, तो वो इसका कौन सा पद होगा 27वां पद होगा, अतः a 27 के बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 164, कि वो ap का कौन सा पद होगा 27वां पद होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे, ऐसे क्वेश्चन 3 नंबर के रूप में आ सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर छठा, विविध पांच का, यदि किसी एपी के एन पदों का योगफल, एन पदों का योगफल एस एन है तथा एस टू एन बराबर थ्री इंटू एस एन, यानी एस टू एन बराबर क्या है तीन गुना एस एन हो, तो आपको एस थ्री एन रेशियो एस एन का मान ज्ञात करना है, इसका अनुपात ज्ञात करना है। तो पहले जो संबंध आपके पास उस संबंध से हम आगे बढ़ेंगे, और संबंध क्या है आपको दिया हुआ एस टू एन, देखो दिया है एस टू एन बराबर है तीन एस एन, तो यहां पर एन का मान तो इस पद में तो कितना है दो एन आपके पास, तो इस पद में एन का मान कितना है एन है, और सूत्र चलता है एस एन का ही, एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी, हम इस सूत्र के प्रयोग से आगे चले, तो एस टू एन, तो एन का मान कितना आ गया टू एन, तो टू एन बटे टू, ब्रेकेट दो ए का मान भी नहीं है, प्लस एन की जगह दो एन काम में लेंगे, माइनस ए गुणा डी और बराबर में, और यहां पर एन का मान कितना है एन ही है, और तीन तो इस पद से गुणा हो रहा है इसकी योगफल से, तो योगफल से गुणा करेंगे तीन को, तीन एन बटे दो, ब्रेकेट दो ए प्लस एन का मान इसमें एन माइनस ए गुणा डी, तो इस संबंध के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। अब देखो दोनों पक्षों में कटने वाला एन बटे दो, एन बटे दो कैंसिल, तो दो ब्रेकेट दो ए और दो एन को डी से गुणा करेंगे तो टू एन डी, माइनस एक को डी से गुणा करेंगे तो एक डी बराबर तीन गुणा दो ए प्लस एन को डी से गुणा करेंगे तो एन डी माइनस डी। अब देखो ब्रैकेट से पहले की जो संख्या है वो ब्रैकेट वालों से गुणा हो जाएगी, तीन को इन सबसे गुणा करना है तीनों पदों से, और यहां दो को इन सभी पदों से गुणा करना है, तो दो को दो ए से गुणा करेंगे तो चार ए प्लस दो को दो एन डी से गुणा करेंगे तो चार एन डी माइनस टू डी बराबर में तीन को दो ए से गुणा करेंगे छ ए, तीन को एन डी से गुणा करेंगे तीन एन डी माइनस तीन डी। अब यहां पक्षांतर करेंगे कि जो भी है ए के पद उनको तो रखेंगे एक साइड में, और जो भी एन डी और डी के पद इनको एक तरफ ले जाएंगे, तो चार एन डी तो छह ए का तो इधर पक्षांतर कर देते हैं, तीन एन डी और तीन डी को इधर लेके आ जाएंगे इस पक्ष में बाएं पक्ष में, तो चार एन डी और प्लस के तीन एन डी पक्षांतर करने के बाद माइनस में तीन एन डी, माइनस के दो डी और इधर है माइनस के तीन डी, तो ये प्लस में बदल रहे, और इधर छ ए और चार ए का पक्षांतर करेंगे तो माइनस में चार। एक बार वो देख लो हम संबंध के अनुसार चले, तो इसके अंदर तो एन का मान कितना है टू एन, तो टू एन बटे टू ब्रैकेट दो ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी, इसका हमने प्रयोग किया, और इसके अंदर तीन एन बटे दो, दो ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी। अब देखो दोनों पक्षों में एन बटे दो से एन बटे दो काट दिया, दो को यानी टू एन को डी से गुणा किया तो टू एन डी, डी को एक से गुणा करेंगे तो डी, इधर भी ऐसा ही कि एन को डी से गुणा किया एन डी
और डी को एक से गुणा किया डी, फिर जो ब्रेकेट से बाहर वाली संख्या एक सबसे गुणा हो जाएगी तीनों पदों से, इसमें भी सभी से गुणा हो गई है तीन, तीन दूनी छह, तीन एन डी और तीन डी, और इधर लेंगे तो दो दूनी चार, दो दूनी चार एन डी और टू डी। फिर हम यहाँ पर छान करेंगे कि जो भी एक के पद इनको एक साइड में रख लिया और डी और एन डी वाले पदों को एक साइड में ले गए पक्षांतर कर दिया। अब चार एन डी में से तीन एन डी को बैठाओ तो एक एन डी प्लस तीन डी में से टू डी को बैठाएंगे तो एक डी इक्वल टू छह ए में से चार ए को बैठाएंगे तो दो ए। तो ये संबंध हमारे पास किसका आ गया, दो ए का मान आ गया, टू ए इक्वल टू एन डी प्लस डी। आगे जो रिलेशन आएगा उसके अंदर हम रखेंगे। अब आपको ज्ञात क्या करना है क्वेश्चन में, उसी के अनुसार हम आगे बढ़ेंगे। एस पी एन अनुपात एस एन, अब इसके अंदर देखो एन का मान कितना काम में लेंगे, तीन एन, और इसमें कितना लेंगे एन का मान, एन काम में लेंगे। तो एस थ्री एन के लिए थ्री एन बटे दो कोष्टक दो ए प्लस एन की जगह तीन एन माइनस ए गुना डी अनुपात एस एन वाला सूत्र एन बटे दो दो ए प्लस एन माइनस ए गुना डी, दोनों पक्षों में कटने वाला एन बटे दो एन बटे दो, सॉरी अनुपात में उनको काट सकते हैं, यहां पक्ष नहीं है। तो यहां से क्या आ गया तीन दो ए प्लस तीन एन को डी से गुणा करेंगे तो तीन एन डी माइनस डी, डी को एक से गुणा कर देंगे अनुपात यहां से दो ए एन को डी से गुणा करेंगे तो एन डी और माइनस डी। और अब आगे आपको यह मान किसका रखना है, दो ए का, दो ए की जगह क्या रखेंगे एन डी प्लस डी रख दो, दो ए के बराबर क्या रखेंगे इन दोनों ही में एन डी प्लस डी रखने पर दो ए का मान ये चेंज आप कर सकते हैं यहां से, तीन दो ए की जगह क्या रखेंगे एन डी प्लस डी प्लस तीन एन डी माइनस डी प्लस तीन एन डी माइनस डी। एक बार और देख सकते हैं इसको, इस दो ए की जगह क्या रख दिया एन डी प्लस डी ये रख दिया, और अगला पद है तीन एन डी माइनस डी को इससे कैसे यहां लिख दिया, और ऐसे इसके अंदर करते हैं दो ए की जगह क्या रखेंगे एन डी प्लस डी, और नेक्स्ट में आगे के पद प्लस एन डी माइनस डी, ये प्लस माइनस का डी प्लस का डी कैंसिल, तीन एन डी प्लस एक एन डी हो तो टोटल चार एन डी, तीन गुणा चार एन डी अनुपात डी से डी कैंसिल एन डी प्लस एन डी कितने हो गए टू एन डी, अनुपात में एन डी से एन डी कट गए चार को तीन से गुणा करेंगे तो बारह अनुपात दो, इसको और आगे काटे तो छह अनुपात एक, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग सी नंबर का ऑप्शन आपके पास आएगा यानी छह अनुपात एक आएगा। इसका क्वेश्चन यदि आपको लगता है हार्ड है तो एक बार इसकी और प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आने के चांस है आपके। अब है क्वेश्चन नंबर विविध पांच का चौदहवां क्वेश्चन, किसी एपी का यानी किसी समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल तीन एन स्क्वायर बटे दो प्लस पांच एन बटे दो हो तो इसका पच्चीसवा पद आपको ज्ञात करना है। तो देखो एक तो आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है एन पदों के योगफल का संकेत होगा एस एन, यानी आपको दिया हुआ क्या है इसके अंदर एस एन, एस एन है तीन एन स्क्वायर बटे दो प्लस पांच एन बटे दो एस एन, तो इसका पच्चीसवा पद ज्ञात करना है, ए पच्चीस का मान आपको ज्ञात करना है ए पच्चीस, तो आपका जो पिछले क्वेश्चन में एक सूत्र गया था उसी सूत्र के अनुसार हम करेंगे इसको, ए एन के बराबर एस एन माइनस एस एन माइनस एक, यानी एक बार तो यहां पर एन का मान पच्चीस लेना है और एक बार पच्चीस में से एक कम कर दो कितना लेना है चौबीस आपको लेकर करना है, यानी तीन एन स्क्वायर बटे दो प्लस पांच एन बटे दो, ये मान किसका आपके पास एस एन का है। तो देखो इसके अंदर ए पच्चीस कौन सा पद निकालना है इसका पच्चीसवा पद ए पच्चीस ज्ञात करना है क्वेश्चन, तो एस एन तो एन का मान कितना लेंगे एक बार तो इसमें पच्चीस रखेंगे यहां पर, क्योंकि एस एन का मान इसी रूप में परिभाषित है तीन पच्चीस का स्क्वायर बटे दो प्लस पांच गुना पच्चीस बटे दो और माइनस,
और एक बार यहां पर n माइनस सेकेंड n का मान 25 है हमारे पास, तो n माइनस एक का मान कितना हो गया 25, में से एक कम कर दो तो कितना आ जाएगा 24। इसी के अंदर एक बार रखना है 3 × 24 का स्क्वायर बटे 2 प्लस 5 × 24 बटे 2, ये दो मान आपको प्रयोग करने Sn − Sn − 1। यानी एक बार तो n का मान हमने कितना लिया है यहाँ 25 लिया, दूसरी बार में n माइनस एक है तो 25 में से कम कर दो कितना आ गया 24, तो हमने यहाँ पे 24 काम में ले लिया। तो ये 25 बराबर 25 का स्क्वायर 625 गुणा 3 गुणा 625 बटे 2 प्लस 25 को 5 से गुणा किया 125 बटे 2 और माइनस 3 गुणा 24 का स्क्वायर यानी 24 गुणा 24 बटे 2 प्लस 2 से काटा 24 को तो 12, 12 को 5 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। यानी यहां से मान रख दिया हमने 25 का स्क्वायर 625, 625 को 3 से गुणा करेंगे तो 1875 बटे 2 प्लस 125 बटे 2 और 2 से इसको काटा तो 12, 12 किया 36, 36 को 24 से गुणा करना है, 36 गुणा 24 प्लस 60। अब इसका तो लघुतम ले लेंगे, लघुतम कितना आएगा 2, 2 का भाग 2 में दिया 1, 1 को 1875 से गुणा करेंगे तो 1875 प्लस 2 का भाग 2 में दिया तो 1, 1 को 125 से गुणा कर दो तो 125 माइनस 36 को 24 से गुणा करो आप, 36 को कितने से गुणा करना है 24 से, 24 छिगे 144, 24 की 72 प्लस 14 कितने हो गए 864। 36 को 24 से गुणा किया तो कितना आ गया 864, 864 प्लस 60 इन दोनों को जोड़ेंगे और यहां से इन दोनों को जोड़ करो तो 1875 में 125 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2000। तो ए 25 बराबर 2000 को आ गए इनका योगफल बट्टे में 2 और माइनस इन दोनों का टोटल किया तो 924 और 2000 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1000 माइनस 924 ए 25 और ए 25 के बराबर 1000 में 924 को घटा दो कितना जाएगा 76। अतः 25वां पद, अतः 25वां पद यानी ए 25 बराबर 76 होगा, कौन सा आएगा हमारे पास 76 आएगा। इस प्रश्न को करने का एक और तरीका है, तो उस तरीके में हमारे को पहले तो प्रथम पद निकालेंगे, फिर प्रथम दो पदों का योग पल लेंगे, फिर डी निकालना पड़ेगा, फिर आगे इसके अंदर मान रख के करना पड़ेगा, तो वो प्रोसेस लंबी हो जाती है। तो इससे बचने के लिए छोटा तरीका जो आपकी बुक के अंदर ये फॉर्मूला भी दिया हुआ है, जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें अंतिम जो लास्ट पॉइंट है वो यही है अंतिम बिंदु है कि किसी भी एपी में जब सीरीज ओपन एपी किसी भी एपी के अंदर हम इस सूत्र के द्वारा एन वा पद ज्ञात कर सकते हैं, Sn − n − 1। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आपको प्रैक्टिस करनी है, 3 नंबर के रूप में ये आ सकता है।